सावधान, आ रहे हैं फॉर्मूला गुरु। गुरु आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड से किस तरह का फायदा होता है। हर ईएलएसएस फंड अपने फंड का कम से 80% हिस्सा काफी व्यापक दायरे वाले इक्विटी और इक्विटी से जुड़े साधनों में लगाता है। ईएलएसएस फंड खास इन्वेस्टमेंट टारगेट और रिस्क लेवल के लिहाज से तैयार किए जाते हैं। ईएलएसएस फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। गुरु कहते हैं कि लॉक इन पीरियड खत्म हो जाने का मतलब हमेशा ये नहीं है कि आप अपना पैसा बाहर ही निकाल लें। यदि आपको लगता है कि आगे चलकर आपका पैसा बढ़ता ही रहेगा तो आप टैक्स सेविंग स्कीम में अपना निवेश बनाए रखें। वैल्यू रिसर्च के डेटा के मुताबिक ईएलएसएस फंड्स का 5 और 10 साल का सालाना औसतन रिटर्न क्रमशः 15.77 और 12.87% रहा है। गुरु बताते हैं कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और अन्य टैक्स बचत साधनों की तुलना से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ईएलएसएस बचत के लिहाज से क्यों बेहतर है। ईएलएसएस फंड्स में न केवल सबसे कम लॉक इन पीरियड होता है बल्कि इनमें रिटर्न हासिल करने की बेहतर उम्मीद भी होती है। हालांकि इनमें जोखिम भी काफी होता है, इसलिए गुरु कहते हैं कि इनमें लॉन्ग टर्म के निवेश करने से ही आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। इस तरीके से आप रिस्क को एक लंबी अवधि में फैला सकते हैं और ज्यादा पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि एफडी जैसे दूसरे विकल्पों के उलट इसमें आप एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं, यानी हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि जमा कर सकते हैं। आप सिर्फ 500 रुपए महीने से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। टैक्स बचाने के लिहाज से सही ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें, इसे समझने के लिए देखिए मनी ज्ञान।